नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। हम सबके बीच में शिवसेना की उपनेता हमारी बड़ी बहन प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं। हम सबके बीच में इस विभाग के अध्यक्ष विभाग प्रमुख आदरणीय सुधा भाई सुरवे जी हैं। सिद्धेश भाई कदम जी से आदरणीय प्रियंका मैडम का स्वागत करें। ये हमारी परंपरा है, यह हमारा संस्कार है कि हम अपने मैं सिद्धेश भाई से निवेदन करूंगा। प्रोफेसर विनय शुक्ल जी, 5-10 साल 20-30 साल गांव ना गए, ये वनवास से क्यों नहीं है? तो मैं जाऊंगा, जरा जोरदार ताली बजाएगा। महाराष्ट्र में सारे ही लोग भागीदारी है, हर पक्ष भागीदारी है, हर समाज भागीदारी है, और अगर उनके साथ हमें चलना है, सब लोग ने जो कार्यरत है महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके संदर्भ में हमने ये कार्यक्रम रखे हैं। इसको किसी तरीके से राजनीति से जोड़ना, किसी तरीके से ये जोड़ना कि उत्तर भारतीयों को अपने पक्ष में लाने के काम कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि शिवसेना उत्तर भारतीयों के लिए काम करती आई है। ये वो संगठन है जिन्होंने अपने विचारों की लड़ाई से बगैर कोई जाति, बगैर कोई धर्म के लिए सेवा की है, तो सेवा व्रत बांटी रही है। उनके उसी सेवा के उपलक्ष्य में हमने उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहारी जो लोग हैं, जो जनता है, उनके सम्मान में ये कार्यक्रम रखा है। आरे का इशू बड़ा हो गया है, लोग कह रहे हैं कि शिवसेना एक बार मोदी जी के साथ मंच पे खड़े होकर आ रहे हैं कि मेट्रो चार सेट का उद्घाटन करें, और दूसरी तरफ पेड़ कटने के खिलाफ कह रहे हैं लोग। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, शिवसेना ही एकमात्र पार्टी है जिन्होंने आरे के पक्ष में बात रखी है। शिवसेना ही एकमात्र पार्टी है जिन्होंने ट्री अथॉरिटी की जब मीटिंग हुई थी उसके खिलाफ, झाड़ों के कटने के खिलाफ काम किया, वोट किया है। शिवसेना ही मात्र एक पार्टी है जिनके कार्यकर्ता रोज आए दिन आरे के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, और शिवसेना ही एकमात्र पार्टी है जिनके पार्टी के एक कार्यकर्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं इसके खिलाफ, इस मुहिम के खिलाफ जिस तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है। तो बार बार शिवसेना पे टीका टिप्पणी करना और ये भूल जाना कि किस तरीके से आरे में जो पेड़ों के चलते जो और लैंड लेने का काम हो रहा है उसकी बातचीत नहीं हो रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण। सबसे पहले तो मैं मेरे सारे जो साथीदार हैं, आनंद दुबे जी, सचिन पाटिल और सारे जो मेरे साथीदार, उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे जो सहभाग किया, जो उन्होंने हेल्प किए कचरी महोत्सव करने के लिए। और ये कचरी महोत्सव बार बार मैं कहना चाहता हूँ, इसमें कोई राजनीति नहीं किया है। जो कचरी महोत्सव है जो हर सावन में होता है, और यहाँ के जो लोग हैं, मैं ठाकुर कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, कांदिवली में रहता हूँ, और जो युवा वर्ग है उनसे मुझे जुड़ना है, तो ये एक छोटा सा माध्यम है जिनसे मैं उनसे जुड़ पाऊँगा, इसलिए ये कचरी महोत्सव आज यहाँ पर किया है। और इसके साथ जो हमारी जो महिलाएं हैं, जो मेरी बहनें हैं, उनसे भी मुझे जुड़ने का एक काफ़ी अच्छा अवसर मिला है, तो इसलिए मैं कचरी महोत्सव यहाँ पर कर रहा हूँ। राम नाम का गुट बड़ी जोर शोर में सुनाई दे रहा है, मुझे लगता है हर एक हिंदू के मन में राम नाम का गुट तो रुन रुन में, मतलब रक्त रक्त में है। वो जोश तो मैं बोलता हूँ पूरे मुंबई में नहीं, कांदिवली नहीं, पूरे भारतवर्ष में आपको सुनाई दे रहा है, और वो सुनाई देना ही चाहिए बस हर एक हिंदू के मन में, भले उत्तर भारतीय हो या फिर वो साउथ का हो या फिर नॉर्थ का हो या कहीं का भी हो, उसके मन में राम राम का गुण तो हो रहा है। मोदी जी के सामने राम मंदिर बनाने के प्रस्ताव पर अपनी बातों को आगे बढ़ाया था, आप क्या चाहते हैं? ये मैं नहीं चाहता, ये सारा युवा वर्ग, सारा उत्तर भारत, सारा भारत चाहता है कि राम मंदिर तुरंत बने, पर जहाँ हमारा राम जन्मभूमि है
जहाँ हमें मत्था टेकना है, जहाँ माथा टेकने के लिए हमें कोई जगह चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। इसलिए हम भी चाहते हैं कि राम मंदिर जल्द से जल्द बने, और हमें विश्वास है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको ये राम मंदिर, उनके जीवन वर्ष में राम मंदिर उनको बना हुआ दिखेगा। क्योंकि हमें हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी और हमारे जो पक्ष प्रमुख हैं उद्धव जी ठाकरे, उन पर बहुत विश्वास है कि वो ये जो शब्द उन्होंने दिया है वो पूर्ण करके रहेंगे। एक आखिरी सवाल है, एक हुए हैं भारी संख्या में उत्तरवासियों को क्या कहने चाहिए इसके लिए? मुझे लगता है ये इतने सारे साल कोई गलत पक्ष में थे। आज जब ये आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं तो आप देख सकते हैं उनके साथ उनके जो परिवार है, कितना बड़ा परिवार है। उनके परिवार के माध्यम से आज हम भी उनके साथ जुड़ चुके हैं, और जैसे हमारी जी प्रियंका चतुर्वेदी जी है, वो भी मुझे लगता है गलत पक्ष में थे, आज उन्हें सही स्थान मिला है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पक्ष में आके जो हम हमारा जो पक्ष है हम दोनों हाथ लंबे करके दोनों हाथ फैला के उनका स्वागत कर चुके हैं, और जैसे उन्होंने भी ये जो कजरी महोत्सव में हमारी जो सहायता की है उसके लिए मैं उनका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। उद्धव साहब ठाकरे जी को बधाई देता हूँ, आदित्य साहब ठाकरे जी को, जिन्होंने राम मंदिर अयोध्या में ही होना चाहिए इसकी जब आवाज बुलंद की, उसी क्षण मैंने ये ठान लिया था कि मैं कांग्रेस में अब ज्यादा देर नहीं रहूंगा, मैं उस पार्टी के साथ जाऊंगा जो पार्टी मेरे राम की बात करती है, वो राम जो बचपन से हमारे दिल में हमारे सीने में बसते हैं, उस श्री रामचंद्र जी का जो आदर करते हैं, जो उनका सम्मान करते हैं, उस पार्टी से हम जुड़ेंगे। तो उस पार्टी से जुड़ने के बाद हम लोग कजरी के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से उत्तर भारत के समाज के लोगों को जोड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। पहला कार्यक्रम गोरेगांव में हुआ, उसको देखने के बाद सिद्धेश भैया ने तुरंत मुझे कहा कि आनंद जी बहुत ही शीघ्र अब कांदीवली में मैं कार्यक्रम करूंगा और आप मेरे साथ रहिए। फिर सिद्धेश भैया ने सारी व्यवस्था की और आप लोग देख रहे हैं कि आज इतना बेहतरीन, इतना भव्य आज कार्यक्रम हुआ है कांदीवली में, और ये कांदीवली का कार्यक्रम पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में एक संदेश दे रहा है कि उत्तर भारत के लोग शिवसेना के हैं और शिवसेना पार्टी उत्तर भारतीयों के लिए है। यह बहुत बड़ा संदेश है साथियों, क्योंकि हम अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए हैं। हमें डर लगता था कि पता नहीं हमें सम्मान मिलेगा कि नहीं, लेकिन आज जब उत्तर भारत के लड़के यहाँ पर MBA बन रहे हैं, CA बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बिजनेसमैन बन रहे हैं, तब खुशी हो रही कि महाराष्ट्र ने हमको अपना लिया और हमको ये कह दिया कि तुम हमारे छोटे भाई बनकर हमेशा फॉलो शिवसेना तुम्हारे साथ है। यहाँ तो बड़े गर्व से आप जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, इसके पहले कभी नारे लगाते हुए नहीं सुना गया। अब क्या करें, अब भैया ने बताया कि हम जिस पार्टी में थे वहाँ कुछ और ही नारे लगते थे, अब सही नारा लग रहा है, सही पार्टी है, सही लोग हैं। जाकर रही भावना जैसी, प्रभु देखे मूरत तय जैसी, जिसकी जैसी भावना रहती वैसी उसकी वाणी होती है। क्या आपकी तरफ संजय निरुपम भी आएंगे पार्टी में? देखिए, मैं आज आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। शिवसेना ने हमेशा लोगों को दिया है, चाहे 90 के दशक में घनश्याम दुबे जी को MLC बनाने की बात रही हो, चाहे 90 के और 2000 के दशक में निरुपम जी को राज्यसभा भेजने का काम किया हो, शिवसेना ने बड़े दिल से हमेशा उत्तर भारतीयों को दिया है। अब उत्तर भारतीयों की बारी है कि शिवसेना को वो ताकत दें, वो शक्ति दें कि महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत में भगवा का झंडा लहरा जाए। आज चुनाव सामने देख के ये कार्यक्रम नहीं हुआ है, शायद आप लोग नहीं जानते हैं, मेरा बचपना भी उत्तर भारतीयों के साथ में गया है। आज भी LB सिंह जैसे नेता मेरे दोस्त है, बचपन के दोस्त है, 45 साल से दोस्त है। तो ये नाता कल राम मंदिर के लिए उद्धव साहब गए इसी के लिए नहीं है, उसी वजह से नहीं है। तो 40-45 साल से नाता हमारा जुड़ा हुआ है। मैं हनुमाननगर में उत्तर भारतीयों के साथ में छोटे से बड़ा हुआ हूँ, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स के लोगों के नहीं, जान बुझ के ये समाज को थोड़ा सा लंबा रखा था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। आज उनको पता चला है कि शिवसेना हमारे साथ में है। आज तक शिवसेना ने उत्तर भारतीयों को कभी भी तकलीफ नहीं दी है, साथ में लेके चले हैं। जो यहाँ पे वो खाली पेट भरने के लोग आए हैं, लेकिन बहुत सारे उत्तर भारतीयों का जन्म भी यहाँ महाराष्ट्र में हुआ है। इन्होंने इसका आयोजन किया है, और हमारे एक दोस्त है आनंद जी, इनका मेरा समय आज से नहीं है, बचपन को जा रहा हूँ, बचपन से उनको मैं जानता हूँ। मेरे मकान में कम से कम 50,000 times, 100 times वो आए हैं, भले दूसरी पार्टी में थे लेकिन हम पार्टी कभी देखे नहीं।
आगे का सर ये तो बहुत गर्म हुआ है, जो फुटेज चल रहा था। एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि उद्धव जी वो मंच पर खड़े होकर मेट्रो का उद्घाटन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आर एम एफ काटने का विरोध कर रहे हैं, अब कुछ पर्यावरण मिनिस्टर है। मैं एक गोष्ट आपल्या माध्यमातून मुंबईच्या महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेला सांगू इच्छितो की आम्ही जर झाडं तोडली तर काय होत आहे परिणाम त्याचे आपण आज बघतोय। मोठ्या प्रमाणामध्ये पाऊस पडतोय, कधी सुका दुष्काळ कधी ओला दुष्काळ, या सगळ्याला जबाबदार आम्ही आहोत। जेवढे आम्ही झाडं तोडणार, जेवढं प्राणवायू कमी होणार, तेवढं निसर्गाचा तोल ढासळणार आहे, याचं भान आम्ही सगळ्यांनी ठेवलं पाहिजे। मेट्रोच्या माध्यमातून विकास होईल, मात्र आज सातारा सांगली कोल्हापूरला जे घडलं आहे त्याला जाऊ नये कोणाची, मग ते नुकसान कोण भरून काढणार आहे। आज कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान होत आहे, मराठवाड्यामध्ये पाऊस पडत नाही, शेतकऱ्यांची आत्महत्या होत आहे, त्याला जबाबदार फक्त आम्ही झाडं तोडल्यामुळं। आणि म्हणून डॉक्टर उद्धव साहेबांनी एक त्यामध्ये मार्ग सुचवला आहे की आपण भुयारी मार्ग काढा, जेणेकरून झाडं तुटणार नाहीत, पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही आणि निसर्गाचा देखील समतोल राहील, हवामानाचा समतोल राहील, अशा प्रकारचा प्रस्ताव माननीय उद्धव साहेबांनी दिलेला आहे। माननीय मुख्यमंत्री आणि उद्धवजी लवकरच याबाबत प्रस्ताव घेतला आहे।